दोस्तों, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं सर्वेश ब्लॉग। तो आज आए हैं कुशीनगर बौद्ध टेम्पल। ये रहा कुछ बाहर का नज़ारा, आप देख सकते हैं। और ये है मेन गेट, आप आएंगे तो फ्रंट पे ही दिख जाएगा। और ये है लॉर्ड बुद्धा, जो फ्रंट पे ही सबसे आप देख पाएंगे इनको। और यहाँ मेन गेट पे ही दिख जाएगा वेलकम महापरिनिर्वाणा स्थली कुशीनगर। आपको गाड़ी आपको पार्किंग करनी पड़ेगी, अंदर आप गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ से कुछ इस तरह का इंटरफेस है, यहाँ पे गार्ड रहे जो कि यहाँ पे आपको एक गाड़ी का 15 रुपये देना होता है। एंड अगर आपको शौचालय आपको आना है तो आपको यहाँ पे देखिए, इसके जस्ट इसी में जो है आपको शौचालय भी मिल जाएगा। तो यहाँ का सुविधा काफ़ी मतलब अच्छा है। तो अभी तो मैं जस्ट पहुँचा हूँ, वीडियो में बने रही है क्योंकि आज की मैं पूरी फुल डिटेल्स कुशीनगर टेम्पल का देने वाला हूँ। चलते हैं फुल डिटेल्स एक्सप्लेन करने कुशीनगर टेम्पल का। जब आप टॉयलेट में आएंगे तो पानी पीने का व्यवस्था भी है। हाँ, जाना है बाबू, खोलिए। आप देख सकते हैं पूरे अच्छे से व्यवस्था यहाँ पे है। ये दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, चाइनीज लोग यहाँ पे इंजॉय करते हुए। ये भी दोस्तों एक पार्किंग का ही एक सेगमेंट बोल सकते हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे ये। तो चलते हैं, अब हम मेन पॉइंट में चलते हैं। दोस्तों अगर आप कुशीनगर आ रहे हैं और विदाउट डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ आप डॉक्यूमेंट्स ले लें, अपना आधार या पैन कार्ड कुछ भी आप लेके आप आएँ, नहीं तो यहाँ पे एंट्री नहीं होगी। लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से एंट्री होती है। और अपना कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं चाइनीज टेम्पल। तो दोस्तों चलते हैं अंदर और देखते हैं गजब का नज़ारा। दोस्तों यहाँ पे देखने को गजब का व्यू है यहाँ पे। आप लोग आइए तो चाइनीज टेम्पल जरूर से एक्सप्लोर कीजिए, काफ़ी मस्त प्लेस है। यहाँ पे इस तरह से कुछ आपको नज़ारा मिल जाएगा। ये चाइनीज द्वारा मंदिर बनवाया गया है, और आप लोगों को दिखाते चलूँ क्या खूब नज़ारा यहाँ का है। दोस्तों मज़ा आ जा रहा है, आप लोग आइए तो बिल्कुल एक्सप्लोर कीजिए। और आप देख सकते हैं कितना गजब ये नज़ारा है। इस तरह से सभी लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या कुछ आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल शांति, बिल्कुल शांति, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ पे इस तरह से बुद्ध भगवान का टेम्पल, वो चाइनीज स्टाइल में, क्योंकि ये चाइना द्वारा बनवाया गया है, चाइना के ट्रस्ट द्वारा बनवाया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं क्या खूब नज़ारा है यहाँ पे, बिल्कुल मस्ट एक्सप्लोर प्लेस है भाई, जो कि चाइनीज टेम्पल के अंदर है। और ये प्लेस है तो इसमें चलते हैं, यहाँ देखते हैं क्या कुछ होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं लॉर्ड बुद्धा शांत मुद्रा में बैठे हुए। और यहाँ पे आप इसके साइड देख सकते हैं सब्जियाँ बोई गई हैं, सभी चीज़ें बोई गई हैं। उसके बाद ये देखिए गुफा टाइप है, हालांकि उसमें जाना बिल्कुल मना है। यहाँ पे ताला लॉक है, ताला लॉक है। वहाँ पर भी एक लॉर्ड बुद्धा के आकार में बने हुए हैं ये नागफनी, और वो देखिए वहाँ पे कुछ इस तरह का आप लोगों को नज़ारा देखने को मिल रहा है। वह जैसे लग रहा है कितनी पुरानी वो कोई गुफा टाइप का नज़ारा। देखिए अंदर भी अच्छा प्लेस है, लेकिन बिल्कुल वहाँ पे जाना मना है, ये टोटल प्राइवेट है भाई। दोस्तों चाइनीज टेम्पल को हम कवर कर लिए हैं, अब हम निकलते हैं यहाँ से बाहर, चलते हैं और देखते हैं थाई मंदिर चलते हैं। वहाँ का आपको मैं टोटल व्यू दिखाता हूँ कि क्या कुछ वहाँ का नज़ारा है। तो वीडियो में बने रहिए और चलते हैं। तो दोस्तों ये थाई मंदिर है, थाई मंदिर कभी बंद रहता है कभी चालू रहता है। तो दोस्तों आज तो थाई मंदिर बंद है, बृहस्पतिवार को थाई मंदिर बंद है। और आप लोग देख सकते हैं इसका नज़ारा,
और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों बहुत ही गजब का नज़ारा इसमें है, लेकिन आज बंदी के कारण तो दोस्तों सॉरी आज नहीं दिखा पाया इस मंदिर को। ये दोस्तों देख सकते हैं AI के वर्ड, ये जो है श्रीलंका बौद्धिस्ट सेंटर द्वारा बनवाया गया है। तो हम चलते हैं दिखाते हैं यहाँ पे दोस्तों इस तरह से कुछ श्रीलंका द्वारा जो बनवाया गया है इसमें चलते हैं देखते हैं गजब का नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप अपना जूता निकाल दें यहाँ पे आने के बाद, उसके बाद से ही अंदर जाने का प्रयास करें। ये स्तूप टाइप है, आप लोग देख सकते हैं। अभी आपको हमेशा बुद्धम शरणम गच्छाम की गाना आपको सुनाई देता रहेगा। और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों काफ़ी आप लोग देख सकते हैं कितना गजब का नेचर है और कितना अच्छा, मतलब शांति, हर तरफ शांति शांति है। तो प्लीज़ आप लोग आइए और ऐसे प्लेसों को एक्सप्लोर करिए डिटेल। हमारे देश में बौद्धिस्ट बहुत आगे तक है, उसे जानने की ज़रूरत है दोस्तों। तो कहाँ कहाँ से विदेशी लोग आते हैं यहाँ पे, हालांकि हमारे इंडिया में उतना प्रचलित नहीं है बौद्ध धर्म, लेकिन तो दोस्तों अब हम चलते हैं महासुरमडड्डा चंथारी पगोड़ा, इस मंदिर में चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ पे टोटल बौद्ध भिक्षु जो कि बहुत बड़ा योगदान है बौद्ध धर्म में, आप लोग देख सकते हैं। ये दोस्तों अब हम आ गए हैं गोल्डन टेंपल, जो कि आपको इस तरह से यहाँ का कुछ इस तरह से नज़ारा आपको दिख रहा है। चलते हैं वहाँ का कुछ क्या नज़ारा होता है, कितना शानदार बना हुआ है। यहाँ पे सफाई का बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ पे देखिए 108 स्पूत बौद्ध भिक्षु का बना हुआ है। और यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको नज़ारा, यहाँ पे देखिए अंदर बुद्ध भगवान बनाए गए हैं। जय हो बुद्ध भगवान, सभी की मनोकामना पूरे करें, कोई अंदर नहीं जा सकता। और ये इस तरह से आए गए हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और यहाँ पे हम एक्सप्लेन वीडियो करने के बाद, यहाँ पे टोटल जो है दोस्तों मैं बताते चलूँ, टोटल फॉरेन कंट्री के द्वारा ही बनवाया गया है ये जो भी बौद्ध टेंपल है या फिर ऐसे कुछ पर्यटक क्षेत्र हैं, सभी जो चीज़ें हैं बौद्ध भिक्खु द्वारा, कोई थाईलैंड से, कोई मलेशिया से, इस तरह से जो है बनवाया गया है। और वहाँ पे भी अंदर भी देख सकते हैं, बने रहिएगा वीडियो में क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत खास। ये दोस्तों बुद्ध भगवान के पैरों का निशान है जो कि आपको इस तरह दिख रहा है। तो यहाँ पे हो गया, अब इसके बाद से हम चलते हैं बाहर और देखते हैं जितने सारे मंदिर होंगे वहाँ पे टोटल मैं एक्सप्लेन यहाँ पे करने वाला हूँ। गजब का नज़ारा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं मस्त है भाई। तो ये है बौद्ध सरोवर और हम चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या कुछ नज़ारा होता है। तो बुद्ध भगवान आश्रम की तरह बैठे हुए, वहाँ पे दान पेटिका है, बुद्ध भगवान का आशीर्वाद ले लो। तो आप लोग भी दोस्तों आइए, यहाँ पे मस्ट एक्सप्लोर जगह है, आप आइए यहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए और काफ़ी यहाँ पे इंजॉय करने वाला और आपको शांति मिलने वाला एक प्लेस है। और आप देख सकते हैं ये चारों तरफ, अगर आप नाव में घूमना चाहते हैं तो इस तरह के नाव में आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये है माथा कुंवर मंदिर और यहाँ पे इस तरह का कुछ आप व्यू देख सकते हैं। ये रहा कुछ मंदिर के आगे का व्यू। और माथा कुंवर मंदिर के बारे में बताते चलूँ, यहाँ पे बुद्ध भगवान को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी और वो प्यासे थे, उसके बाद से आनंद जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे
उनसे बोले कि आप जाइए, मुझे प्यास लगी है, पानी लेके आइए। तो वो गए नदी में गए और उसके बाद से नदी का पानी बहुत गंदा था। तो आए बुद्ध भगवान से कहें कि वहाँ का पानी बहुत गंदा है, तो आप वो पानी नहीं पी सकते हैं। तो बुद्ध भगवान ने कहा ठीक है, फिर दोबारा जाइए। दोबारा गए आनंद जी, तो वहाँ पे देखें कि मतलब पानी बिल्कुल साफ हो गया था। और इस मूर्ति को आप देख सकते हैं, 3 फीट 1 इंच जो है मूर्ति की लंबाई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बुद्ध भगवान के हाथों को काट लिया गया है, क्योंकि वो जो लोग का जो काटा है वो समझा है कि बुद्ध भगवान का जो हाथ है वो जो है सोने का है। तो बुद्ध भगवान को जब प्यास लगी थी, जब आनंद को भेजे थे, तो धरती आप देख सकते हैं धरती पे हाथ रखे थे, और वहाँ जैसे ही आनंद गए पूरा पानी बिल्कुल साफ हो गया था। तब आए लेके उसके बाद से पानी पिए बुद्ध भगवान, तब जाके उनकी प्यास बुझी। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पे दृश्य है। शांति के लिए लोग आते हैं यहाँ पे, तो अगर आप भी आना चाहते तो प्लीज़ आप सभी लोग आइए। इस मंदिर की खुदाई 1876 में हुई थी और इस मंदिर का निर्माण जो है 1927 में हुआ था। ये दोस्तों आ गए मेन मंदिर महापरिनिर्वाण, जो कि बुद्ध भगवान को यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति हुई थी, जो कि अपनी आखिरी सांस यहीं पे लिए थे। और यहाँ पे देखिए कितनी बारीकी से सभी चीज़ें डिटेल्स में बनाई गई हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो सभी पर्यटक यहाँ पे दूर दूर से आते रहते हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ दिख रहा है। भगवान जो लेटे हुए हैं, इस मूर्ति की टोटल लंबाई जो है 10 फीट 6 इंच है। हम चलते हैं अंदर और देखते हैं वहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम सरलम गच्छा। और यहाँ पे जब आएंगे तो इस तरह से बौद्ध भिक्षु यहाँ पे रहते हैं। तो आपको वीडियो अलाउ नहीं है, बट मुझे बनाया दिया गया क्योंकि मैं एक ब्लॉगर हूँ, तो मुझे रोका नहीं गया। और पीछे चलते हैं, देखते हैं सभी लोग अपनी जो इच्छा है, अंदर की इच्छा है, जो सपना होता है, अपनी मनोकामना है, वो लिखते हैं सब। चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर इस तरह से गोलंबद स्तूप की तरह। सभी लोग यहाँ पे अपनी मनोकामनाएं लिखते हैं, मेरी शादी जल्दी हो जाए, मेरी मनोकामना यही है हे बुद्ध भगवान कि मैं एक अच्छा ब्लॉगर बन जाऊँ और लोग की मैं जितना हो सके मैं सेवा कर सकूँ, जितना मेरा हो सकता है मैं लास्ट सांसों तक मैं लोगों की सेवा में बिताना चाह रहा हूँ, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। कितना गजब का ये नज़ारा,
तो दोस्तों ये रहा रामाभार स्तूप। दोस्तों इसी स्तूप में बुद्ध भगवान की अस्थि को डाला गया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद सभी लोग, ये जो गोलंबद बना हुआ है इस स्तूप की, सभी लोग आके परिक्रमा करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ काम होता रहता है, खुदाई होती रहती है, काम होता रहता है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। दोस्तों अब जब मैं आ गया हूँ तो सोचा क्यों ना एक गोलंबद में फुल डिटेल्स आप सभी को मैं वीडियो एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ की, मुझे काफ़ी मतलब सख्त है। ऐसे नॉर्मली आप ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, बिकॉज ये बड़ा हार्ड है। और उस ज़माने में जो है आयुर्वेद चलता था, और आयुर्वेद एक इंस्टीट्यूट था बौद्धिस्ट का, जो कि आयुर्वेद को हर चीज़ें फॉलो करता था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी का जो है सभी चीज़ें बनाया गया है, जो कि एक हार्डली बनाया गया है, जो कि वर्ल्ड के सभी जगहों से यहाँ पर आते हैं और अपनी इच्छाओं को लेके बुद्ध भगवान के दर्शन करते हैं। उनके हर जहाँ जहाँ पे उनका मट्टी गया है वहाँ पे, जहाँ जितने स्तूप हैं टोटल शायद 8 हैं स्तूप बने हुए, जो कि 8 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। तो यहाँ भी देखिए सभी लोग अपनी इच्छाओं को लेके अपना जो भी है किए हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ काम होता रहता है। विदेशी फंड से बहुत सारे यहाँ पे पैसे आते हैं, जिसके अनुसार यहाँ पे काम होता रहता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से टोटल, देखिए यहाँ पे टोटल खुदाई करने के अनुसार यहाँ पे इस तरह से काम हुआ है। और हमेशा साफ़ सफाई होता रहता है यहाँ पे आने के बाद। और आप लोग देखिए सभी लोग विदेशी यहाँ पे पर्यटक आते रहते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से टोटल मेल फीमेल सभी लोग अपनी अपनी फैमिली को लेके इतना ज़्यादा दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और दोस्तों हम लोग नहीं आ पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग नहीं आए हैं यहाँ पे कुशीनगर में, तो आप लोग आइए, मस्ट एक्सप्लोर प्लेस है भाई। आप वहाँ पर देखिए कुछ कथाएं सुन रहे होंगे, बुद्ध भगवान के बारे में बता रहे होंगे बहुत दिख को, जो दर्शन करने के बाद आप लोग भी बुद्ध भगवान को जानिए समझिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, आ गए हम बुद्धा घाट और चलते हैं यहाँ की वीडियो को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों हम बुद्धा घाट आ गए हैं, और शुल्क 5 रुपये भाई साहब, ठीक ना। तो यहाँ पे भाई 5 रुपये 1% का टिकट है। तो दोस्तों मैं दिखा पा रहा हूँ जहाँ तक कि मतलब प्लेस काफ़ी अच्छा है, मज़ा आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं हर तरफ सभी लोग यहाँ पे आने के बाद इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी आइए यहाँ पे, इंजॉय कीजिए। गजब का प्लेस है दोस्तों, आइए आप लोग सभी लोग इंजॉय कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये प्लेस किस तरह है और कैसा लग रहा है।
काफ़ी हरा भरा है, हर तरफ बिल्कुल हरियाली है। और मैं इसके आगे चलता हूँ, देखता हूँ क्या कुछ है, और मैं जहाँ तक आपको दिखा पाऊँ कि अच्छे अच्छे प्लेसेस आपको दिखा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ झूला उला है, अगर 5 रुपये दिए तो भाई झूला तो बनता है। अगर आप 5 रुपये दे के आ रहे हैं तो भाई झूला तो बनता है। आप लोग आइए यहाँ पे, 5 रुपये दे रहे हैं तो झूला जरूर से झूलिए। और वहाँ पे कुछ सेल्फी पॉइंट है, वहाँ पे भी सेल्फी ले लीजिए और इन्जॉय कीजिए अपने टाइम को, अपने जर्नी को। अगर यहाँ तक आए हैं, दूर से आए हैं, तो टोटल कवर कीजिए, जहाँ तक हो सके आप कवर कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि मैं ऐसे सभी प्लेसों को एक्सप्लोर कर सकूं और बता सकूं, दिखा सकूं आप सभी लोगों को।